पर हम लोग इतने आलसी, गंदी बातें करवा लो रात भर नींद नहीं आती, उबासी नहीं आती। और कहो भाई रामायण पढ़ो, अरे पापा आंखें लाल हो रही, नींद आ रही ठटरी के भरे, फिल्में देखबे में नींद नहीं आ रही, गंदी बातों में तो पूरी रात व्यक्ति बैठा रहता, ना उबासी आती है ना नींद। राम चर्चा कही जाए या ज्ञान की बात कही जाए, घर पूछो उसके शरीर से नंग नंग दर्द करने लगता है, पांव अलग, मूड अलग, पैर अलग। बोलो सीताराम, बुरा मत माने, आपको अपने चित्त को सुधारना है। शायद ये युवा बच्चों को सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा, युवा भाई बहनों को अगर अपने चित्त को सुधारना है, एकाग्र चित्त रखना है, तो चलचित्र देखना बंद कर दो। हाँ, युवाओं को अगर कुछ बिगाड़ रहे हैं ना, तो ये चलचित्र बिगाड़ रहे हैं। तो जितासनो जित श्वासो, तीसरा क्या उपाय है राजन? तीसरा उपाय है जित संगो, संगत पर सावधानी रखो, संगत बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जैसी संगत वैसी, बीड़ी वाले के साथ रहने लगोगे दो चार महीने में बीड़ी पीने लगोगे, गारंटी है। आपकी जैसी संगत होगी रंगत वैसी होगी। और आजकल के माता पिताओं पर तो हमें बड़ा तरस आता है, आजकल के माता पिता, अरे महाराज बच्चे हैं खेलने खाने दो, पार्टी के नाम पर रातों भर घुमाते हैं, वो ना जाने क्या क्या करते हैं। हम निवेदन करेंगे प्रत्येक अभिभावक से, माता पिता से, आप अपने बच्ची बेटा अथवा बेटी की संगत पर ध्यान दो। आपका बेटा किसके संग में रहता है, किसका संग करता है, इस पर जरूर कंट्रोल रखो। अगर संग करवाना ही है तो किसी भगवत भक्त का संग करवाना, ताकि वो अपने साथ किसी कथा में ले जावे। किसी भगवत भक्त का संग करवाना, ताकि वो ठाकुर की भक्ति में ले जाए। इसलिए मित्र बनाओ तो बड़ी गंभीरता रखो मित्र में, ये देख लो कि मित्र आपका कैसा है। और आजकल के अभिभावक बेटा और बेटी पर फ्रेंड सर्कल के नाम पर ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ देते हैं, फिर बाद में वो बेटा और बेटी फुर रुड़ जाते हैं, फिर अर्जी लगाते फिरते, महाराज बेटा गायब है गो, चार महीना है गो, अरे फुर रुड़ गो, पार्टी करत करत खुद की पार्टी बना ली वाने। बोलो सीताराम। हाँ, पर बड़ा कोसते, महाराज बेटा बात नहीं मानता, अंग्रेजी बहू लाया है। वो लाए क्यों ना, अंग्रेजी का, वो तो चाइना की ले आए। जब तुमने ध्यान ही नहीं दिया तो अपने बेटा पर अपनी बेटी पर बहुत कंट्रोल रखो, संगत पर तो कंट्रोल रखो। जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, संगत का बड़ा असर है जीवन में। संगत के असर पर हमें बहुत याद आती है एक चर्चा, एक कीड़ा, गंदगी में रहने वाला एक कीड़ा, जिसे गांव की भाषा में गुरबीला कहते हैं, अब पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जानते हो गुरबीला? एक गंदी जगह पर रहने वाला कीड़ा गुरबीला, एक बार उसकी मित्रता एक भौंरे से हो जाती, भंवर से। तो एक दिन मित्र मिलने आया, भाई कैसे हो मित्र, भंवर ने पूछा। उस कीड़े ने कहा, हम तो ठीक है, आप बताओ आप कैसे, हम भी बहुत अच्छे। अच्छा मित्र, तुम्हारा घूमने का मन करता कि नहीं? करता तो है, पर कहाँ जाऊं, चलो मेरे साथ। उस भंवर ने अपनी पीठ पर उस गंदगी में रहने वाले कीड़ा को बैठाया और सैर कराई, आहा आनंद से भर गया, भाई क्या गजब का नजारा है, अब तो हम बड़ी ऊंचाई पर आ गए, क्या गजब का नजारा है। वो ले जा करके बाग में एक पुष्प के ऊपर बैठा दिया, बैठो यहां आनंद लो, देखो क्या खुशबू है पुष्प की, क्या रस है इसमें। लेकिन वो कीड़ा बोला, देखो भाई जल्दी आ जाना, हमें वापस वहीं भेज देना, यहां हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वही प्यारा लगता है, दुर्गंधी उसको प्यारी लगती, सुगंध प्यारी नहीं लगती, आप जल्दी आ जाना। भंवर ने कहा, मैं अभी आया, तू बैठ यहां। भंवर कहीं तूफान में फंस गया, शाम तक पहुंच नहीं पाया बेचारा। अब वो जो कीड़ा जिस पुष्प पर बैठा था, शाम के समय वो पुष्प बंद हो गया, प्रातः काल के 4 बजे
तो उसी बाग के मंदिर के पुजारी जो अर्चन पूजन करते भगवान का, जो वंदन करते भगवान का, जो निवेदन, जो भगवान की पूजा पाठ करते, वो आए और बाग से उन्होंने पुष्प को तोड़ना प्रारंभ किया। और भवन का मित्र जिस पुष्प में बंद पड़ा था वो पुष्प भी तोड़ लिया, ले जा करके भूत भावन महादेव आदिदेव विश्वनाथ भगवान त्रिपुरारी का पूजन अर्चन किया, वंदन किया, ध्यान किया, स्नान आदि किया और वस्त्र आदि चढ़ाए। और इसके बाद में तिलक चंदन स्वस्ति आदि पाठ करने के बाद में आचार्य जी ने माल्यादिनी सुगंधिनी वाला जैसी मंत्र बोला, पुष्प उठाए और भगवान भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तो जो पुष्प था उस पुष्प में जो भंवर का मित्र बंद पड़ा था, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, वो भी आज मित्र के संगत के प्रभाव के कारण भगवान शिव के सिर पर बैठ गया। ओहो, बैठा सो तो ठीक है, आनंद के साथ अब भगवान भोले बाबा, अब तो लोग आवे, लोटा भल जल लेवे, चढ़ावे हर हर भोले, वो भी स्नान कर लेवे। कब दिन बीत गया पता नहीं लगा, भंवर ने बहुत ढूंढा बाग में, भंवर जब तूफान शांत हुआ, प्रातः काल हुई, उजेला हुआ, भंवर बाग में आया पर मिले ही नहीं। तब तक दोपहर काल की सेवा होनी थी, पुजारी जी ने भगवान का श्रृंगार उतारा और एक टोकरी में रखा और बहते हुए जल में जाकर प्रवाहित कर दिया। नवीन श्रृंगार भोले बाबा को चढ़ना था तो दूसरे पुष्प ला करके नया नवीन सौंदर्य सा श्रृंगार करने की तैयारी होने लगी। भंवर को याद आया, अरे बाग में नहीं है, लगता है ये भोले बाबा के मंदिर में होगा, पर मंदिर में पुष्प नहीं है, अब कहाँ होगा। अरे अब याद आया, ये गंगा जी में बह रहा होगा। भागा भागा भंवर गंगा जी गया, गंगा जी में पुष्प खुला हुआ, उसके ऊपर वह कीट वो कीड़ा जो कभी दुर्गंध में गंदगी में रहता था, वो बैठ करके धन्यवाद अपने मित्र को दे रहा। इतने में भंवर दौड़ा दौड़ा आया, अरे मित्र राम राम, कहाँ जा रहे, आ जाओ जल्दी पकड़ो। अरे भैया बस 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 दूर रहो। अरे भैया पागल हो गए क्या, ये गंगा जी है, समुद्र में मिल जाओगे। अरे दोनों हाथ जोड़ करके कीट बोला, भैया धन्य है तेरी मित्रता और धन्य है तू, ये है मित्रता का प्रभाव। कहाँ में गंदगी में रहने वाला कीट हमेशा दुर्गंध में भरा रहता था, आज शिव जी का मस्तक भी मिल गया और गंगा का सहारा भी मिल गया। धन्य है जितासन जित श्वास जित संग जिते जित संग जिते संगत अपने बेटा की, अपनी बेटी की ऐसी रखो जिस संग से सत्संग प्रारंभ हो जाए। सावधान अभिभावक, पार्टी के नाम पर, घूमने के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अपने बच्चों को तुम नरक में भेज रहे हो, सावधान हो जाओ। अब अपने बेटा की, अपने बेटी की संगत बहुत गंभीरता से रखो। मित्रों का चेक करो कि ये मित्र खाने वाले हैं कि खिलाने वाले। मित्र बनाना ही है, उसको मित्र बनाना जिसके मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, कंठी माला हो, कम से कम वो भगवान की भक्ति तो सिखाएगा।